गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका मैंने आपको पिछली वीडियो में जो क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है जो इंटीजर्स उसके बारे में बताया था और आपको क्वेश्चन नंबर वन भी सॉल्व कराया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया इन ए क्विज द पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इफ़ जैक्स अ स्कोर्स इन फाइव सक्सेसिव राउंड्स वर 25, माइनस 5 एंड माइनस 10, 15, 10, वट वाज हिज टोटल एट द एंड। टोटल स्कोर बताना है आपने, इसके अंदर एंड में टोटल स्कोर कितना बनेगा इसका। हम इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कि पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। अगर कोई करेक्ट आंसर चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव मार्क्स हैं और इन करेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स है। इट मीन्स जो 25 है, 15 है, 10 है, ये करेक्ट आंसर के मार्क्स है। जो करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं हम नोट करेंगे यहाँ पर कि टोटल पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। टोटल पॉजिटिव मार्क्स फोर मार्क्स आर गिवन फोर करेक्ट आंसर इक्वल टू कौन कौन से है? देखो जो पॉजिटिव आंसर है कौन कौन से है, जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव मार्क्स कौन कौन से हैं हमारे पास है 25, 15 एंड 10। 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो गया टोटल, ये 25 प्लस 15 प्लस 10 50, ये टोटल जो हमारे पास 50 हो चुके हैं। अब हम लेना है टोटल नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्क्स के लिए टोटल हम नेगेटिव मार्क्स चेक करेंगे, इसमें कौन कौन से नेगेटिव मार्क्स, माइनस फाइव एंड माइनस टेन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, माइनस फाइव माइनस टेन माइनस 15। और अब टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, टोटल मार्क्स हमारे पास टोटल मार्क्स दोनों को ऐड करेंगे, टोटल पॉजिटिव मार्क्स को टोटल नेगेटिव मार्क्स को। टोटल पॉजिटिव मार्क्स है हमारे पास 50 और प्लस टोटल नेगेटिव मार्क्स माइनस 15, इट मीन्स रिजल्ट आएगा हमारे पास 35। जो टोटल मार्क्स बनेंगे हमारे पास एट एंड में 35 मार्क्स बनेंगे। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखो स्टेटमेंट क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दिया है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्यूजडे। ड्रॉप मीन्स ये कम हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। वट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय द 4 डिग्री सेल्सियस, दोबारा से ये 4 डिग्री इंक्रीज हो जाता है वेडनेसडे को। वट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, तो फिर हमने बताना वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना बनेगा। अब हम इसमें सबसे पहले नोट करेंगे कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो मंडे को कितना था और श्रीनगर का टेम्परेचर जो मंडे को ड्रॉप कितना हुआ है, ठीक है, नोट करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर ऑन मंडे हम नोट करेंगे एट श्रीनगर, हम नोट करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, मंडे को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर जो है ड्रॉप कितना हुआ है, टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, अब देखो पहले मंडे को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री, अब ड्रॉप हुआ है माइनस कम हुआ है तो इट मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमारे पास था -5 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप कितना हुआ है
माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये ट्यूसडे को टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, इसका मतलब कम हुआ है, इसमें इसमें से माइनस करेंगे -5 -2 डिग्री सेल्सियस। जब इंक्रीज होता है तो हम प्लस में करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, इट मीन -7 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें दिया है कि वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ सीरोग्राम ट्यूजडे, यह आ गया आंसर आपके पास। अब सेकेंड है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय द 4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना रोज हुआ है, यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर रोज, टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे कितना टेम्परेचर राइज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे 4 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को कितना इंक्रीज हो चुके 4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना बनेगा -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस जो है रोज वो इंक्रीज हुआ है, तो -7 डिग्री +4 डिग्री इट मीन्स -3 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है हमारे पास, देखो कि जो प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से अबव जो है 5000 मीटर की हाइट पर एक प्लेन है, और एक सबमरीन जिसको पनडुब्बी बोलते हैं जो पानी के अंदर चलती है सबमरीन, वो फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 1200 मीटर के बिलो द सी लेवल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दम, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें। जैसे हम छोटा सा डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं, और ये हमारे पास सी लेवल है, सी लेवल में जो ये सी लेवल है, तो सी लेवल से अबव हमारे पास जो है 5000 मीटर के हाइट पर कोई प्लेन है, और सी लेवल से बिलो 1200 मीटर के डिस्टेंस पर कोई सबमरीन है, यहाँ पर ये सबमरीन है, यहाँ पर कोई प्लेन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5000 है, और सी लेवल से जो नीचे पानी के अंदर वो 1200 मीटर का डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताना आपने, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा 5000 प्लस 1200। हम कैसे नोट करेंगे इसको, हाइट ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल 5000 मीटर, और डेप्थ ऑफ द सबमरीन इक्वल टू 1200 मीटर, इसको हम बिलो द सी लेवल भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ द सबमरीन टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस कितना, देखो 5000 प्लस 1200, दोनों को ऐड करेंगे तो 6200 मीटर का डिस्टेंस बनेगा दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया ये सी लेवल है हमारे पास, ये जो लेवल है ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर का जो डिस्टेंस है 5000 मीटर है, और सी लेवल से नीचे का जो डिस्टेंस जहाँ पर सबमरीन है वो 1200 मीटर है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बन जाएगा 6200 मीटर, दोनों को ऐड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज़ इन ए बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल द 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट इन द नेक्स्ट डे। If the withdrawal of amount from the account is represented by the negative integer, and then how will you represent the amount deposit? Find the balance in the Mohan's account after the withdrawal. इसका मतलब मोहन ने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं और 1642 को विड्रॉल कर लिया, मतलब निकाल लिया बैंक में से, तो उसके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है। अब आपने कैसे नोट करना है इसको, सबसे पहले आप लिखोगे कि मोहन डिपॉजिट द टोटल अमाउंट
इन द बैंक अकाउंट, इन हिज बैंक अकाउंट. मोहन डिपॉजिट द टोटल अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट. डिपॉजिट्स अमाउंट 2000 रुपीस. और विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट है, जो विड्रॉल अमाउंट हमारे पास है, विड्रॉज, विड्रॉज अमाउंट, वो हमारे पास 1642 रुपीस. अब नेट बैलेंस, अब बैलेंस कितना बनेगा हमारे पास, ये बैलेंस कितना बनेगा, क्योंकि डिपॉजिट कितने कराए थे 2000 रुपीस और विड्रॉ कितने किए हैं 1642. यहाँ पर विड्रॉ लिख लेना है, विड्रॉल अमाउंट आई, निकाली हुई जो पैसे हैं, डिपॉजिट अमाउंट 2000, विड्रॉल अमाउंट 1642, नेट बैलेंस जो बचेगा हमारे पास, आपने 2000 में से 1642 को माइनस करना है, जो कि हमारे पास बचेगा आंसर 10 - 2 = 8, 9 माइनस, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 - 4 = 5, और यहाँ पर बचेगा 9 - 6 = 3, इट मीन्स 358 रुपीज़ बैलेंस बचेगा मोहन के अकाउंट में. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था. ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैं दोबारा से बता देता हूँ कि डिपॉजिट अमाउंट है 2000 रुपीज़, विड्रॉल अमाउंट है 1642, तो नेट बैलेंस क्या बचेगा हमारे पास, 2000 में से आपने 1642 को माइनस करना है, क्योंकि इसको माइनस में लेते हैं, क्योंकि विड्रॉल अमाउंट है जो कि हमने निकाल लिया उसमें से, और जो माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 358 रुपीज़. और आपने जो है जो अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को खुद ट्राई करना है, सोल्व करके देखना है, और कुछ अगले क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ आपको. अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द ए एंड बी. ये फोर पार्ट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, इसमें से एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं. इसको हमने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी. जैसे मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमने ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको वेरीफाई करना है. अब हमारे पास जैसे 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन क्या है उसमें, सबसे पहला ए इक्वल टू 21 एंड बी इक्वल टू 18, ए इक्वल टू 21, बी इक्वल टू 18. अब जैसे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए माइनस माइनस बी, ए कितना है हमारे पास 21, 21 माइनस माइनस 18, 21 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक में, माइनस को माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्लस, प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 1 = 9, 2 + 1 = 3, 39. अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट है हमारे पास ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास 21 और बी कितना है 18, डायरेक्ट 21 + 18 = 39, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया. वेरीफाई का मीनिंग ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड्स की भी. आपने सभी क्वेश्चंस के, इसके जो 8th क्वेश्चन के सभी पार्ट को ऐसे करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको वेरीफाई करना ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल दिखाना, ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 18 है, ए माइनस माइनस बी, ए की वैल्यू 21 माइनस बी की वैल्यू माइनस 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 18, तो ये हमारे पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, और 21 में 18 को ऐड करोगे तो 39. ऐसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमने क्या लिया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 18 है, दोनों को ऐड करोगे 39. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. और 8th का फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, और 2nd, 3rd और 4th पार्ट आपने खुद सोल्व करने हैं. अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 9.
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया है, यूज द साइन ऑफ द ग्रेटर लेसर और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसको आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और इसमें दोनों तरफ से सॉल्व करना है, जैसे ए पार्ट है ये, दोनों तरफ से सॉल्व करना है इधर से भी और इधर से भी, और जो आपको सही लगता है इन तीनों साइन में से, ग्रेटर लेस और इक्वल टू, इन तीनों साइन में से एक साइन पुट करना है यहाँ पर। अब देखो नाइन्थ का जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, आपने फर्स्ट पार्ट को कैसे, अब मैंने देखो स्टेटमेंट नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट है, -8 प्लस -4, ये बीच में फिर इन द ब्लैंक्स है, -8 माइनस -4। अब सॉल्व करेंगे देखो इसको, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, -8 प्लस प्लस माइनस 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 फोर, -8 और -4 -12, और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, -8 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस 4, जब सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 4, इट मीन्स क्या आएगा, -8 प्लस 4 में -4। अब दोनों में से चेक करेंगे, -12 और -4, इन दोनों में से लेसर ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल तो है नहीं देखो दोनों, ये -12 है -4 है, और मैंने आपको नंबर लाइंस के ऊपर बताया भी था ये कि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। जैसे एक नंबर लाइन की हेल्प से आप चेक करोगे इसको, जैसे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे चलता जाएगा, तो ये नंबर छोटे होते चले जाएंगे इधर, ये इधर से नंबर बड़ा होगा, जैसे -1 0 1 2 3 इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इट मीन्स -4 जो नंबर है बड़ा है और -12 जो नंबर छोटा है। इट मीन्स -12 इज लेस देन -4, -12 लेस देन -4, इट मीन्स जो है -12 जो है 4 से लेस देन है। इट मीन्स यहाँ पर साइन आएगा हमारे पास, लेस देन का साइन आएगा, और आपने सभी पार्ट्स को ऐसे ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9th के सभी पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जो हमारे पास दिए गए हैं, इसमें हमारे पास जो है ई पार्ट तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी को आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके चेक करना है क्या आंसर आया, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है क्या आंसर आया, फिर दोनों में देखना है कि दोनों इक्वल हैं, लेस देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, फिर आपने साइन पुट करना है इसके अंदर, और ये आपके ऐसे क्वेश्चन नंबर 9th जो है आपका सोल्व हो जाएगा। और आपने जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी बनानी है, सभी बच्चों ने 1.1 के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको खुद सोल्व करके चेक करना है, और आपके पास मैंने ये 1 to 5 सम कराए हैं, 6 सम आपने खुद करके देखना है, 7 सम को भी आपने खुद सोल्व करना है, 8 सम का मैंने पार्ट कराया आपको, 9th का भी कराया है, और अगले क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही जो इंटीजर्स के क्वेश्चन हैं आपने इनको सोल्व करके देखना है और अपनी कॉपी बनानी है। और सभी बच्चों ने अपना जो है डेली का काम डेली करना है आपको, डेली जो है एक्सरसाइज वाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, और चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। कोई क्वेश्चन ना आए आपने दोबारा से कमेंट करना है और या व्हाट्सएप पे भेज देना आपने, और सभी बच्चों ने अपनी कॉपी बनानी है और रिवीजन भी करके देखनी है एक बार दोबारा से। ओके, थैंक यू।